दोस्तों मध्य प्रदेश में कई दिनों से चल रहे सियासी नाटक को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में तीसरे राउंड की सुनवाई जारी थी वो सुनवाई अब खत्म हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है मैं आपको एक एक करके उसकी जानकारी दूंगा। लेकिन जो बीजेपी ये कह रही थी और मांग कर रही थी कि कल ही फ्लोर टेस्ट हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया गया और कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी तो हमारे विधायकों को खरीद करके ले गई है और उनको अगवा करके रख रखा है, और साथ ही साथ बीजेपी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का गला घोट रही है बीजेपी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है मैं एक एक करके जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप भी जिस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में हो रही है इसका विरोध करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहली और बड़ी खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में जो नाटक चल रहा है इस पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अब मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर कल फिर सुनवाई करने की बात कही है, यानी कि कल तक मध्य प्रदेश पर सुनवाई टाल दी गई है और कल फिर इस पर सुनवाई होगी, तब कोई फाइनल डिसीजन आ सकता है, आएगा ऐसा भी नहीं कह सकते। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुनवाई के दौरान बागी विधायकों के वकील ने यह मांग की थी कि कल ही फ्लोर टेस्ट कराया जाए, जिनकी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराते हुए यह कहा है कि अभी कोई भी इस पर हम फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि मेन चीज है जो मेन है विधानसभा स्पीकर है, उन्होंने भी ये कहा है कि जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक हम इनके इस्तीफे नहीं मंजूर कर सकते। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी को यह कहा है कि आप जो है पहले स्पीकर को संतुष्ट करिए, क्योंकि स्पीकर ने खुद ये कहा है कि हम जब तक सामने खड़े होकर के एक एक विधायकों को वेरीफाई नहीं करते, उनसे ये पूछ नहीं लेते कि आप अपने मन से इस्तीफा दे रहे हैं या किसी दबाव में, तब तक उनके इस्तीफे को हम मंजूर नहीं करेंगे। इसको लेकर के भी मामला पेंडिंग हो गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं, जो कि कमलनाथ सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने हलफनामे को लेकर के टाइम मांगा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको टाइम दे दिया है। और दिग्विजय सिंह ने वही दूसरी तरफ एक बड़ा दावा किया। दिग्विजय सिंह आप सभी को पता सुबह अरेस्ट किए गए थे, उन्होंने बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पांच विधायकों से मिलने की बात कही। उन्होंने कहा पांच विधायकों से मेरी बात हुई है, वो आना चाह रहे थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोक लिया और नहीं आने दिया। तो ये खबर है, कल फिर इस पर सुनवाई होगी, अब देखना यह होगा कल क्या होता है। लेकिन सवाल यही है, आखिर ये इतना लंबा चौड़ा जो ड्रामा चल रहा है इससे मध्य प्रदेश की जो गरीब जनता है, जो भोली भाली जनता है जिन्होंने इनको वोट दिया है, उसका आखिर क्या, क्या ये नेता सिर्फ अपने पेट भरने के लिए, अपनी मलाई खाने के लिए, अपने मतलब फायदे के लिए देश की जनता खास करके मध्य प्रदेश की जनता को इसी तरह से बेवकूफ बनाते रहेंगे? इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।